ट्रेन से सफर करने के बाद रूस पहुंचे किम जोंग अपनी ब्लैक कलर की कार से बाहर आते हुए दिखाई दिए। उनके स्वागत में पुतिन ने अपने आला अफसर का हुजूम लगा दिया था, मानो रूस के लिए कोई देवदूत आ गया हो। गाड़ी से उतरते ही रेड कार्पेट पर बकायदा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ तानाशाह किम जोंग का स्वागत किया गया। इस दौरान तानाशाह भी सलामी देते नजर आए। इसके बाद रूस के रक्षा मंत्री किम को परमाणु सेंटर के दौरे के लिए आगे ले गए। ये वीडियो शनिवार यानी 16 सितंबर का बताया जा रहा है। रूस के व्लादिवोस्तोक से लगभग 50 किलोमीटर दूर रूस के कनेविची में मुस्कुराते हुए किम का स्वागत रक्षा मंत्री सरगेई ने किया था, जिन्होंने किम को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी भी दी थी। इसके साथ ही उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रक्षा मंत्री के साथ रूसी परमाणु सेंटर और हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों का निरीक्षण करते दिखाई दिए थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे रूस के आला अफसर किम को सारी जानकारियां दे रहे हैं। इसके साथ ही हमले को लेकर छोटी सी छोटी जानकारी तानाशाह अफसरों से पूछते हुए भी सुनाई पड़ रहे थे। ठाट बाट के साथ तानाशाह ने इन हथियारों का जायजा लिया और उस पर तरह तरह के सवाल भी अफसरों से दागे थे। इस दौरान तानाशाह किम कभी हंसते तो कभी अफसरों की क्लास लगा देते। तभी लड़ाकू जेट में वो सवार हो गए और उसे परत दर परत निरीक्षण में जुट गए। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। Ракету ХБД с дальностью более 6,5 тысяч километров. А грузоподъемность данного самолета составляет 100 тонн. Да, поворачивается. И каждая ракета сходит. Провернулась, ракета сошла. Да. Помощники, которые тоже... Штурмовик летает на предельно малых высотах. Мы это модернизировали. Он SM-3. Он самолету быть невидимым для средств ПВО противника. Все самолеты, да. Все самолеты летают. Как-то воздух. Да. Радиопрозрачное оборудование. Здесь находится мощный локатор. При этом отстреливает средства активной борьбы. रक्षा मंत्री सरगेई ने किम को रूस के रणनीतिक बमवर्षक TU-160, TU-95 और TU-22M3 दिखाए, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और रूस के परमाणु हवाई हमले बल की रीढ़ मानी जाती है। सरगेई ने फाइटर जहाज के बारे में किम को बताया, ये मॉस्को से जापान तक उड़ान भर सकता है और फिर वापस भी लौट सकता है। किम को ये पूछते हुए भी दिखाया गया है कि विमान से मिसाइलें कैसे दागी जाती है। एक रूसी अधिकारी ने उन्हें बताया कि रणनीतिक बमवर्षक रूस की परमाणु ताकतों के प्रमुख हिस्सों में से एक थे। किम के रूस के दौरे से चिंतित अमेरिका और कई देशों ने रूस और उत्तर कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा था कि हथियारों को लेकर कोई भी समझौता न करे। किम ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। इससे अटकलें लगाई जाने लगी है कि किम अत्याधुनिक हथियारों या तकनीक के बदले रूस को गोला बारूद की आपूर्ति करेंगे, जिसका इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन के युद्ध में कर सकते हैं। रूस और उत्तर कोरिया पर पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में ये दोनों देश अपने संबंधों को गहरा कर रहे हैं, जिसे लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है और तमाम तरह के प्रतिबंध की बातें भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।